हेलो फ्रेंड्स यू आर वेलकम इन मिलियन कंसेप्ट ऑफ इंग्लिश हम आज करेंगे टीजीटी इंग्लिश प्रैक्टिस सेट ट्वेल्व चलिए शुरू करते हैं आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सारे प्रैक्टिस सेट और जो भी बचा हुआ टीजीटी का सिलेबस है वो सब मिल सके क्वेश्चन फर्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट नावल नावल के बारे में कौन सी बात इनमें से सही नहीं है तो द टर्म नॉविल इज नाउ अप्लाई टू एन एक्सटेंडेड वर्क ऑफ फिक्शन रिटर्न इन प्रोज ये बात सही है कि एक्सटेंडेड वर्क ऑफ फिक्शन होता है और प्रोज में होता है पोइट्री में नहीं होता इट्स मैग्नीट्यूड परमिट्स अ ग्रेटर वेराइटी ऑफ करेक्टर ग्रेटर कॉम्प्लीकेशन ऑफ प्लॉट ये भी बात सही है क्योंकि नॉवल में ग्रेटर जो है वैराइटी होती है करेक्टर्स की राउंड करेक्टर्स होते हैं फ्लैट कैरेक्टर्स होते हैं प्रोटेगोनिस्ट एंटेगोनिस्ट सब कुछ होते हैं और कॉम्प्लिकेटेड प्लॉट होता है विदाउट प्लॉट नॉवेल नहीं बनता एन एम्पिल डेवलपमेंट ऑफ मिलियो और मिलियो का एक पर्याप्त डेवलपमेंट भी होता है तो देखो मिलियो का मैं यहां पर अर्थ नहीं बता रहा हूं क्योंकि इस पर बेस नीचे क्वेश्चन है तो यह भी बात सही है एज एन एक्सटेंडेड नरेटिव द नॉवेल इज सिमिलियर टू द शॉर्ट स्टोरी ध्यान रखिए एम एच अब्राहम ने बताया है कि नॉवेल जो है शॉर्ट स्टोरी और नॉविलिटी के सिमिलियर नहीं होता है तो दैट्स वाई और ऑप्शन इसलिए नहीं बताया था क्योंकि प्रश्न है ये वॉट इज द मिल्यू ऑफ द स्टोरी अ फैंसिंग वर्ड फॉर सेटिंग या अम्प्लेक्स प्लॉट मैथोलॉजिकल कैरेक्टर्स या टोन ऑफ द स्टोरी देखिए मिल्यू का अर्थ होता है आपका परिवेश क्या होता है परिवेश होता है यानी कि सेटिंग होती है ठीक और फैंसी बर्ड बॉच सेटिंग तो सेटिंग में आपका फिजिकल लैंडस्केप भी होता है सोशल रिलीजियस और पॉलिटिकल ये सारे उसमें शामिल होते हैं तो आपका ऑप्शन ए ठीक है मिल यूज कंसर्न प्राइमली विद द एनवाइ वेयर इन द एक्शन एंड दिस इंक्लूड्स नॉट ओनली द फिजिकल एंड स्के बट सोशल पोलिटिकल एंड कल्चरल कंडीशन तो क्या होता है आपका परिवेश होता है द फर्स्ट बुक दैट वॉज रिटेन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ रेनेसा इन इंग्लैंड देखिए कोई ऑप्शन नहीं पड़ेंगे सिर्फ डायरेक्ट उत्तर पढ़ेंगे तो जो रेनेसा के इन्फ्लुएंस में लिखी जाती है बुक वो होती है आपकी अटोपिया तो आपका सी हो गया जल्दी हो जाएंगे हु रोट अटोपिया तो सर टॉमस मेलोरी ने लिखी है तो आपका ऑप्शन ए है टॉमस मोर टॉमस रो या टॉमस वॉट तो अटोपिया जो आपका है वो टॉमस मेलोरी की अगला है विच मूमेंट इज स्पेशली नोन फॉर मेकिंग रिलीजियन फ्री फ्राम करप्शन एंड सुपर यानी कि अंधविश्वासों से और दूसरे धार्मिक करप्शन से मुक्त कराने के लिए कौन सा मूवमेंट था वो था मूवमेंट आपका रिफॉर्मेशन क्या था रिफॉर्मेशन मूवमेंट अ पर्सन ऑफ मेटेरियल आउटलुक एंड इंडिफ्रेंस टू कल्चर इज कॉल्ड तो ऐसे को हम बोलते हैं फिलिस्टाइन क्या बोलते हैं फिलिस्टाइन होता है और स्टॉइक का मतलब जो उदासीन होता है जैसे तपस्वी टाइप का और बॉर्वे का मतलब असभ होता है और अनारकस्ट वो व्यक्ति होता है जो नियम कानून को नहीं मानता है अराजकता बातें बोलते हैं इन द मिडल ऑफ फिफ्थ सेंचुरी थ्री ट्राइब्स केम टू ब्रिटेन फ्राम द नॉर्थ सी एंड द बेल्टिक सी विच ऑफ द फॉलोइंग बट द ओरिजिनल इनहेबिटेंट ऑफ ब्रिटेन देखिए एंजल सेक्शन जूट्स एंड कैल्स दिया गया देखिए तो एंजिल्स सेक्शन और जूट्स ये तो ट्राइब्स आई थी चार सौ पचास में चार सौ पचास में आई थी और सेल्ड्स जो थे वो आपके ओरिजिनल इनहेबिटेंट थे ऑफ ब्रिटेन तो आपका डी ऑप्शन हो गया देयर बार फोर मेन डायलेक्ट्स इन एंग्लो सैक्शन पीरियड ठीक विच लैंग्वेज डिड चौसर चूज एज लैंग्वेज नहीं होना चाहिए विच डायलैक्ट बोलेंगे ठीक तो कौन सी डायलैक्ट चौसर ने लैंग्वेज के रूप में चुनी तो आपका नौदम्बरिया मर्सियन कैंटिस या बेस्ट सक्सन तो आपने पढ़ा होगा कि ईस्ट उन्होंने मिडलैंड्स की लैंग्वेज को सुना था ईस्ट मिडलैंड की तो मिडलैंड जो में लैंग्वेज बोली जाती थी वो थी आपकी मर्सियन तो उन्होंने मर्सियन डायलेक्ट को जो कि ईस्ट मिडलैंड में बोली जाती थी उसको उन्होंने लिया और एक लैंग्वेज में डेवलप किया तो आपका ऑप्शन यहां पर बी है ये चारों ऑप्शन आप ध्यान रखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एंग्लो सैक्सन पोइम ऑप्शन है आपका पियर्स पिलोमैन ये विलियम लेगलैंड के द्वारा लिखी गई और ये एज ऑफ चौसर में लिखी गई और बाकी जो ब्यूबुल बिटसित और ड्यूर्स एलिमेंट हैं ये आपकी एंग्लो सेक्शन पीरियड की पोइम्स हैं द रोमन कन्क्वेस्ट इन ब्रिटेन वॉज इन फोर्टी थ्री एडी अंडर तो आपको बताना है किसके अंडर में ब्रिटेन में रोमन एम्पायर की स्थापना हुई तो द सीजर या एम्प्रायर कैरेटस तो ये हैं आपके एम्प्रायर क्लाउडियस, आपका बी ऑप्शन है और ये शायद 2013 या 16 में टीजीटी में पूछा गया है ठीक है इसको ध्यान रखेंगे ये पूछा गया है चूज द करेक्ट फिगर ऑफ in द फॉलोइंग सेंटेंस द क्वालिटी ऑफ mercy इज नॉट स्ट्रैंड ड्रॉपैथ एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन तो देखिए इसमें मर्सी की जो तुलना की गई है कंपेरिजन किया गया है वो रेन से की गई है और तुलना के शब्द भी प्रयोग हुए हैं तो ये आपका सिमली है मिथ कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड मैथॉस सिग्निफाइंग दो हजार चार में पूछा गया है तो इमेजिनेशन चिल्ड्रन स्टोरी स्टोरी प्लॉट ट्रू और इन्वेंटेड या करेक्टर्स फ्रॉम द पास्ट तो ये है आपका जो मिथ होता है वो इमेजिनेशन होता है दो प्रकार की स्टोरी होती हैं देखिए एक होती है माइथोलॉजी और दूसरी होती है हिस्टोरी तो जो हिस्ट्री होती है वो फैक्ट पर होती है और जो माइथोलॉजी होती है मिथ जो होता है वो इमेजिनेशन पे होती है तो ऑप्शन हो गया इसका चूज द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस लाइक ए पेशेंट इथराइज अपन द टेबल तो ये आपकी लाइन बतानी है ये इसमें लाइक अप पेशेंट इथराइज अपन द टेबल यहाँ पर टी एस एलियट शाम की तुलना एक किससे कर रहे हैं जो टेबल पे लेटे हुए एक मरीज से तो यहाँ पर शिमली है ही इज टू फाउंड ऑफ रेड टेप तो इस लाइन में आपको फिगर ऑफ स्पीच बताना है सिमली मिटोनमी ऑग्जी या पर्सोनिफिकेशन देखिये रेड टेप किया गया है लाल फीताशाई जिसको कहते हैं ब्यूरोक्रेसी को तो यहां पर मिटोनमी आपका फिगर ऑफ स्पीच है क्योंकि इसका अर्थ होता है नेम चेंज विच मूवमेंट मार्क एड रिफॉर्म द सोसाइटी एंड रिलीजियन देखिए सोसाइटी और रिलीजन में जो रिफॉर्म चला था वो आपका रिफॉर्मेशन मूवमेंट था विच ऑफ द फॉलोइंग एपिसोडिक स्ट्रक्चर तो पहले हम एपिसोडिक को समझ लेते हैं एक घटना उसके बाद दूसरी घटना इसके बाद तीसरी घटना इसके बाद घटना 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 तो जो इवेंट्स होता है तो उसको हम बोलते हैं एपिसोडिक लगातार इवेंट्स पे और उनको फिर कनेक्ट कर दिया जाता है तो किस में आता है बायोग्राफी होती है हिस्ट्री होती है और हिस्ट्री और बायोग्राफी दोनों होती है यानी से कोई नहीं होती तो देखिए बायोग्राफी भी किसी भी राइटर के बारे में लिखा जाता है तो उसकी लाइफ की इवेंट को जोड़ा जाता है और हिस्ट्री तो होती ही इवेंट को जोड़ने का काम है तो आपके दोनों ही ऑप्शन ठीक होंगे डज पेंडोरास बॉक्स देखिए पेंडोराक्स का बॉक्स का मतलब होता है मुसीबतों का पिटारा ठीक पेंडोरास बॉक्स बोलते हैं तो अ प्रोसेस दैट बंस बिगन क्रिएट्स मैनी कंप्लीकेटेड प्रॉब्लम एक बार जो प्रोसेस शुरू हो जाती है उसके बाद कई कंप्लीकेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं तो इसको बोलेंगे हम पेंडोराक्स बॉक्स अगला क्वेश्चन है द राइम ऑफ बॉबल साउंड विदाउट राइमिंग ऑफ कंसोनेंट इज नोन एस बॉबल साउंड की राइम होती है तो देखिए अलिट्रेशन तो होता ही है सब में लेकिन जब स्पेशल बॉबल साउंड की बात कर रहा है तो एसोनेंस बोलेंगे और स्पेशल कंसोनेंट साउंड की बात कर रहा है तो हम कंसोनेंस बोलेंगे तो यहां पर आपका सी होगा एसोनेंस लिंगुआ फ्रेंका किसे कहते हैं आपको बताना है देखिए लिंगुआ फ्रेंका का मतलब होता है एक ऐसी लैंग्वेज जिसमें हम सब लोग एक साथ बोल सकें तो आपकी जो इंग्लिश से लैंग्वेज है लगभग लगभग वर्ल्ड के हर क्षेत्र में हर देश में बोली जाती है तो यही कारण कॉमन लैंग्वेज का काम करती है कि सब लोग जानते हैं इसको तो अ कॉमन लैंग्वेज ऑफ ऑल तो इसको बोलते हैं लिंगुआ फ्रेंका जैसे हम हिंदी बोलते हैं और दूसरा व्यक्ति कुछ और भाषा बोलता है लेकिन इंग्लिश सब बोलते हैं तो इंग्लिश जो कॉमन लैंग्वेज हो गई वो हुआ लिंगुआ फ्रेंका स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन तो क्या बोलते हैं इसको देखिए सोलॉगी तो नहीं बोलते इसको है। बोलते हैं तो आपका बी ऑप्शन हो गया ऑरिटोरिक नहीं होता और एक्सप्रेशन अभिव्यक्ति ये नहीं है फियर ऑफ हाइट आपको बताना है कौन सा है देखिए एगोराफोबिया होता है आपका भीड़ से डर यानी कि फियर ऑफ क्राउड हाइड्रोफोबिया फियर ऑफ वाटर एक्रोफोबिया फियर ऑफ हाइट और पायरोफोबिया फियर ऑफ फायर तो ये आपका 2021 में आया था पायरोफोबिया तो हो सकता है ये 2022 में आ जाए तो इसका ऑप्शन कौन सा हो गया सी एक्रोफोबिया फियर ऑफ हाइट व्हाट तो एफोरिज मीन क्या होता है आपको बताना देखिए एफोरिज का मतलब होता है कहावत कहावत होती है या दूसरे सूक्ति कह सकते हो क्या कह सकते हैं सूक्ति जिसमें कम शब्दों में बहुत बहुत सारी बातें छिपी हो कह दी जाए तो इसका अर्थ है स्टेटमेंट कंडेंसिंग मच विजडम इन अ फ्यू वर्ड गागर में सागर बोलते हैं ठीक है तो आपका ऑप्शन भी हो गया चार्ल्स लैम एडोप्टेड द नेम इलिया विच वॉज दैट तो इलिया नाम भाई चार्ल्स एम का पेन नेम है उसको शिडो नेम बोलते हैं तो इन्होंने कहाँ से लिया तो ये कि क्लर्क का काम करते थे साउथ सी हाउस में तो वहाँ पर एक क्लर्क हुआ करता था तो उस इटालियन क्लर्क के नाम से उन्होंने अपना नाम लिया पेन नेम लिखा ठीक है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एबंट ग्रेड तो एबंट ग्रेड का मतलब है आपका इनोवेटिव ज बीन रिगार्डेड प्रिंस among एसेस्ट तो देखिए ये बैकन नहीं है लैंड नहीं है लैम है, है ये हक्सिले नहीं है तो आपका ऑप्शन सी हो गया क्योंकि चार्ल्स लैम को प्रिंस एमॉन्ग इंग्लिश एसेस्ट कहा जाता है ठीक है तो ट्वेंटी फिफ्थ का कौन सा ऑप्शन हुआ आपका सी अगला देखते हैं हु लाइक themselves to टू बी कॉल्ड सन ऑफ बैन देखिए आपके जो कैबिलियर पोइट्स थे ठीक वो आपको सन्स ऑफ बैन कहलाना पसंद करते थे क्योंकि वो बैन जॉनसन को फॉलो किया करते थे तो रॉबर्ट हैरिकुर में से एक था वाट इज द मीनिंग ऑफ हेमरसिया क्या मतलब होता है हेमरसिया का देखिए ये ड्रामेटिक टर्म है हमने यहाँ दो ड्रामेटिक टर्म ली हैं तो हेमरसिया का मतलब होता है एक किसी के करेक्टर में कमी जो ना ना में कमी जो होती है वो होता है ट्रेजिक फिला क्योंकि एफ एल एडब्यू फिलामाने अर्थ ही कमी होता है तो उस ट्रेजिक फिला के कारण जो उसके करेक्टर में कमी होती है उसके कारण जो प्रोटागोस्ट होता है वो जजमेंट सही नहीं ले पाता तो गलत निर्णय लेता है क्योंकि उसका घमंड उसको या उसकी महत्वाकांक्षा उसको सही निर्णय लेने से रोकती है तो ये हुआ आपका एरर ऑफ जजमेंट ठीक सी ऑप्शन हो गया ऐसे ही एक टर्म दो ही टर्म ली है एक दूसरी टर्म है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनाग्नोरेसिस बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये तो मैंने सारी टर्म्स पढ़ा रखी हैं, आप प्ले लिस्ट में देख लें जाके तो एना जो होता है वो होता है द हीरोज रिक्निजन ऑफ हिज ट्रेजिक फिला जब से पता लग जाता है कि मेरी क्या कमी है तो उसका डाउनफॉल निश्चित हो जाता है हालांकि देर से पता लगती है तो इसको इसको बोलते हैं सच्चाई की जो है पहचान हो जाती है सच्चाई की सच्चाई खुल के आ जाती है सामने तो आपका बी ऑप्शन हो गया डिक्शनरी मीनिंग डिक्शनरी डेफिनेशन ऑफ द वर्ल्ड इज कॉल्ड कनोटेशन फिगर स्पीच डेनोटेशन या एपिट एपिथेट तो देखिए आपने लेंग सुना होगा बर्फ की डेफिनेशन वर्ब वर्बे वर्ड विच डिनोट्स एक्शन तो डिनोट्स जो एक्शन होता है उसका मतलब है वो उसका शाब्दिक अर्थ बताता है तो आपका जो डिक्शनरी मीनिंग होता है वो होता है आपका डिनोटेशन ठीक लेकिन कैनोटेशन क्या होता है ये आपका होता है सेकेंडरी मीनिंग जैसे हम हाउस माने घर होता है लेकिन हाउस को हम एक आराम का जगह भी कह सकते हैं और हाउस का मतलब फैमिली भी होता है ार्टर रिसार्टर अ फिलोसफिकल वर्क ऑफ टॉमस कार्लाइल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सार्टर रिसार्टर टाइटल है उसका इनके वर्क है टॉमस कार्लाइल का तो आपको बताना इसका अर्थ क्या है तो देखिए इसका अर्थ है आपका आ टेलर्ड पैचअप या इसको दूसरी लैंग्वेज में बोलते हैं टेलर रिटेलर्ड ठीक आपका बी ऑप्शन हो गया ये प्रश्न टी में आया हुआ है Year नहीं कंफर्म है लेकिन टीजीटी में आया हुआ है ब्यूटी प्रोवोक्ट थीप सुनर देन गोल्ड आपको लाइन बतानी है किस कहां से ली गई है सुंदरता सोने से ज्यादा चोरों को आकर्षित करती है तो ये बात कौन कहता है देखिए मैं इसका रेफरेंस बता दे रहा हूं जब रोजा लेन जंगल को जाती है तो अपने चेहरे पर रोजलिन और शीढ़िया दोनों अपने चेहरे पर क्या करती हैं राख मल लेती हैं तो रोजलिन कहती है कि सुंदरता चोरों को ज़्यादा आकर्षित करती है सोने के तुलना में तो ये किसमें है रोजल हीरोइन तो जो हीरोइन है वो आपकी इट में है तो नेचुरल है आपका ऑप्शन बी होगा रोड द सेलिब्रेटेड बुक शेक्सपियन ट्रेजिडी तो यह बहुत फेमस बुक है आपको ध्यान रखनी है शेक्सपियन ट्रेजिडी लिखी है एसी ब्रेडली ने तो आपका ऑप्शन है एसी ब्रेडली कब लिखी है एंड्रू से लिखी इसको उन्नीस सौ चार में नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्ले ऑफ विलियम शेक्सपियर हैज बिन डेस्क्राइब द वर्ल्ड मोस्ट फिल्म स्टोरी आफ्टर सिंड्रेला तो सिंड्रेला के बाद सबसे ज्यादा फिल्में बनी है वो कौन सा है रोमियन जूलियट ट्वेल्थ नाइट हेमलेट या टेम्पेस्ट तो ये मस्ट भी हेमलेट ठीक है प्रोबेबली एजुकेटेड एट तो देखिए आपने सुना होगा ग्रामर स्कूल में हुए थे पढ़ा पढ़ते थे जहां पर लिटिल लेटिन, लेस ग्रीक पढ़ा था उन्होंने तो ये किंग्स न्यू स्कूल इन स्टेट था क्योंकि इसको ये सरकारी स्कूल हुआ करते थे आजकल के प्राइमरी स्कूल की तरह तो यहां पर राजा उन स्कूलों को चलाया करते थे तो आपका ऑप्शन ये हो गया एट द एज ऑफ एटीन शेक्सपियर मैरिड ट्वेंटी सिक्स ओल्ड एंड हैथ जो कि इनसे आठ वर्ष बड़ी थी द कंसिस्टरी कोर्ट ऑफ ऑफ डस्टर इश्यूड अ मैरिज लाइसेंस ऑन तो किस तारीख को मैरिज लाइसेंस इश्यू होता है तो यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है तो यह है सत्ताईस नवंबर पंद्रह सौ बयासी आपका ऑप्शन डी हो गया इट इज बिलीव दैट शेक्सपियर बॉज फाउंड गुलटी ऑफ डियर पोचिंग इन द गार्डन ऑफ तो ये थे आपके टॉमस लूसी तो टॉमस लूसी के गार्डन में वो हिरन का शिकार करने के दोषी पाए जाते हैं तो ये जो रेफरेंस मिलता है हमको मिलता है निकोलस रो इनके बायोग्राफर रहे हैं उन्होंने लिखा है ये। विच ऑफ़ द फॉलोइंग वर्क वर्क एज ए सोर्स ऑफ शेक्सपियर्स हेमलेट ऑप्शन हैं आपके द लेजेंड ऑफ एमलेथ सेक्सोग्रेमिटस गेस्टा डेनोरम या अर हेमलेट या आल ऑफ द एब तो ये सारे ही हेमलेट के ऑप्शंस हैं जो सोर्स हैं जहाँ से उसकी स्टोरी ली गई है इन शेक्सपियर्स ट्रेजिडी करेक्टर इज नॉट डेस्टनी बट देयर इज करेक्टर एंड डेस्टनी ये बात किसने कही है आपको बताना है तो ये बात निकोल ने कही है ये बात पूछी जाती है तो आपका ऑप्शन सी है हाउ केम ही डेट वह कैसे मरा उसकी मृत्यु कैसे हुई आई विल नॉट बी जग्ड विद मेरे साथ जो है खिलवाड़ नहीं हो सकता टू हेल एलिजियंस एलिजियंस मतलब निष्ठा स्वर्ग नरक की निष्ठा बोस कसम खाता हूं टू द ब्लैकेस्ट डेबिल सबसे काले दैत्य की मेरे साथ धोखा नहीं हो सकता मेरे साथ खिलवाड़ नहीं हो सकता तो कौन कहता है ये बात है तो बता दे रहे हैं ये बात लेरिट्स कहता है अब कब कहता है देखिए जब उसके पिता की मृत्यु हो जाती है हेमलेट उसे मार देते हैं तो उसके बाद क्या होता है वो अपने सैनिकों के साथ यानी कि सशस्त्र मनुष्य व्यक्तियों के साथ आता है और तलवार निकाल के क्लोडियस से पूछता है कि मेरे पिता को किसने मारा तो ये बात लेरियस कहता है टू डाई टू स्लीप मर जाना भी तो नींद के समान है टू स्लीप फरानस टू ड्रीम और सोना फरहानसा ड्रीम एक सपने की तरह ही है आ देयर इज द रब फॉर इन दिस स्लीप ऑफ डेथ वाट ड्रीम्स मेक कम तो यहाँ हेमलेट सोचता है अगर मैं मर जाऊँगा तो मर जाना भी तो सपने के समान है और फिर डरता है बोले अगर सपने के समान है तो हो सकता है कि जब सपने आए तो बुरे सपने भी आ सकते हैं तो मरना कैंसिल कर देता है तो यह बात हेमलेट कहता है तो आपका ऑप्शन कौन सा है ऑप्शन है आपका ए हेमलेट्स डिलेमा इन एक्ट थर्ड सीन फर्स्ट टू बी और नॉट टू बी इसका अर्थ बताना है आपको क्या है टू बी और नॉट टू बी देखिए टू बी और नोट टू कहता है बोले मैं मरूं या मरना त्याग दूं मर जाऊं या जिंदा रहूं तो इस दुविधा में वो बात कहता है टू बी और नॉट टू बी ठीक है तो इसका ऑप्शन हुआ है आपका डी ये प्रश्न आ चुका है ऊपर वाला विच प्ले ऑफ शेक्सपियर डिस्क्राइब द सेवन एजेस ऑफ मैन तो सेवन एजेस ऑफ मैन किस प्ले में बताई जाती हैं तो देखिए ये प्ले है आपका एज यू लाइक इट और एज यू लाइक इट में जेक्स जो गाना गाता है सॉन्ग गाता है तो उनको कहता है वर्ल्ड इज स्टेज तो उसी में यह बताया गया है कि वी आर मेयर प्लेयर्स इन द प्ले एज यू लाइक इट इट इज सैड दैट एवरी वन इन द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन वी केम हैप्पी येट वन पर्सन इज सैड इन दैट प्लीजेंट एटमोसफियर कौन सा ऑप्शन ठीक है आपका बताना है तो देखिए ये कहा जाता है कि फॉरेस्ट ऑर्डर ऑफ आर्डन में सब जो लोग पहुंच जाते थे वो सभी खुश होते थे तो आपने एजूलाट लाइकट पढ़ा होगा तो एजू लाइक में सारे लोग खुश रहते हैं जो भी उस फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में पहुंच जाते हैं सबकी परेशानियां दूर हो जाती हैं सारी समस्याओं का हल मिलता है लेकिन फिर भी एक व्यक्ति दुखी होता है और वो है आपका जैक्स तो ये उदासीन व्यक्ति होता है ठीक है उदासीन ऑल द वर्ल्ड इज स्टेज एंड ऑल द मैन आर मैन एंड वुमेन आर मेयर प्लेयर्स तो ये बात कौन गाता है अभी बात की थी ये बात जैक्स गाता है ठीक है विच पोइम वॉज पब्लिश्ड एज ए पार्ट ऑफ सिक्सटी नाइन क्वार्टो ऑफ शेक्सपियर सोनेट पब्लिश बाई टॉमस थ्रोपे तो टॉमस थ्रोपे ने विलियम शेक्सपियर के सोनेट को पब्लिश किया था क्वार्टू फार्म में उसमें एक पोइम भी पब्लिश हुई थी उस पोईम का नाम आपको बताना है देखिए पोइम भी ये ध्यान रखेंगे क्योंकि प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो सोनेट uh, पब्लिश हुए थे उनके साथ कौन सी पोइम भी पब्लिश हुई थी ठीक तो आपका ऑप्शन है द लवर्स कंप्लेंट तो ये लवर्स कंप्लेंट सोनेट्स के साथ पब्लिश हुई थी द तो फिनिक्स एंड टर्टल इज अ डेस्क्रिप्टिव पोइम बाय विलियम शेक्सपियर द तो फिनिक्स इज ए पार्ट ऑफ एंशिएंट ग्रीक फोकलोर अ जेंट बर्ड तो ये फिनिक्स जो बर्ड है वो जन्म जो है भस्म हो जाती है फिर जन्म लेती है फिर तो ये चलता रहता है तो इसमें टर्टल क्या है फिनिक्स तो बर्ड हो गई टर्टल क्या है तो देखिए टर्टल जो होता है आप लोग जानते हैं कछुआ होता है शील्ड लेकिन यहां पर वो नहीं है यहां पर है आपका टर्टल डब ये टर्टल नाम टर्टल डब नाम की क्या है चिड़िया है बर्ड है ठीक है दोनों ही वर्ड है फ्रॉम विच हैव दीज लाइन बीन टेकिन आपको बताना है इफ यू कैन लुक इन टू सीड्स ऑफ टाइम यदि तुम समय के सीड्स ऑफ टाइम यानी समय के बीज में तुम देख सकते हो एंड से विच ग्रेन विल ग्रो एंड विच विल नॉट आप कहो कि कौन सा बीज उगेगा और कौन सा बीज नहीं उगेगा कौन कहता है और किस पिले में कहता है तो देखिए पीले तो आपको पता लगी गया होगा तो मैं इसकी रेफरेंस बता दे रहा हूँ रेफरेंस क्या है आपका मैकबेथ और बैंको दोनों ही लौट कर आते हैं और दोनों का एनकाउंटर होता है थ्री विचिस से तो थ्री विचेस हेमलेट मैकबेथ के बारे में भविष्यवाणी करती हैं कि वो राजा बनेगा और थेन ऑफ कॉडर कैसे उसको स्वागत करती हैं तब बैंको कहता है कि मेरे बारे में भी बताओ कि मेरे बारे में क्या होगा तब वो उससे कहता है तब वो उससे कहती हैं कि लेसर देन मैकबेथ एंड ग्रेटर मैकबेथ से कम भी और ज्यादा भी तो यहां पर मैकबेथ से लिया गया ये कोटेशन स्वीट आर द यूज ऑफ एडवर्सिटी कि जो एडवर्सिटी के उपयोग भी काफी मधुर होते हैं विच लाइक like, के टोड ये एक उस टोड की तरह है मेढक की तरह है अगली एंड वेनोमस जो बसूरत है और जहरीला है बियर्स ज्वेल इन फिर भी उसके माथे पर सिर में एक ज्वेल होता है रतन होता है तो ये बात कौन कहता है ये ड्यूक सीनियर कहता है ठीक है ये ड्यूक सीनियर का वो है अंडर द ग्रीन बुड ट्री लवस टू लाइव विद मी तो ये सॉन्ग है एमिनस का जो कि एजू लाइक में है एमिनस का गाना है इसका है एमींस का विच नेचुरल ऑब्जेक्ट मेड लेक डिस्ट्रिक्ट अ पॉपुलर प्लेस फॉर हॉलीडे तो ये माउंटेन भी है उसमें और लेक भी है तो आपका दोनों ही वहां पाए जाते हैं ही लेड अस विद लेट बर्थ ऑन द कूल फ्लावरली लैप ऑन अर्थ पहले मैं इसका अर्थ बता दे रहा हूं ही मैंने बह लेड अस एज बी ले एट बर्थ उसने हमारे लिए बिस्तर लगाया लेड अस का मतलब यहां बिस्तर लगाना है एज बी ले एट बर्थ जब हमारा जन्म हुआ था तो उसने हमारे लिए बिस्तर लगा दिया काहे का ऑन द कूल फ्लावरली लैप ऑफ अर्थ इस पृथ्वी की गोद में फूलों की सेज लगा दी तो किसने कहा यह बात यह बात कही है मैथ्यू आर्नोल्ड ने और यहां पर ही जो शब्द आया है वो विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए आया है ठीक हेनरी क्रैब रॉबिन्सन सजेस्टेड वर्ड्सवर्थ टू ऐड एन एपिग्राफ टू द रिप्रिटेड वर्जन 1815 ऑफ ओड ऑन इंटीमेशन ऑफ एमोर्टेलिटी फ्रॉम तो देखिए इस ओड का जब री प्रिंट होता है अठारह सौ पंद्रह में तो उस समय एक एपीट जोड़ने के लिए हेनरी क्रैब रॉबिन्सन सजेस्ट करते हैं विलियम बर्ड्सर्थ को तो वो किस पोइम को सजेस्ट करते हैं आपको उस पोइम का नाम बताना है रुविड कॉटेज डेफोडिल्स टेबल स्टैंड या रेनबो तो ये आपकी रेनबो है आपने पढ़ा होगा डेस्क्राइप्टिव स्केचेस डेस्क्राइब टूर ऑफ देखिए ये टूर ऑफ है यूरोपियन टूर है ये ध्यान रखेंगे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और टूर कंपोज्ड अकॉर्डिंग टू विलियम मोस्टली अपॉन द बैंक ऑफ लॉयर इन द ईयर नाइनटी वन सेवनटीन नाइनटी टू तो ये पोइम डेस्क्राइब स्केचेस कंपोज हुई सत्रह सो इक्यानवे के बीच में और लॉयर नदी के तट पर विश ऑफ द पोईम इज इन द फॉर्म ऑफ लेटर एंड एड्रेस टू ए लेडी कौन सी पोईम इनमें से लेटर की फॉर्म में है और एक लेडी को एड्रेस की गई है तो देखिए जो इवनिंग बाक है एन इवनिंग बाक ये लेटर की फॉर्म में है ठीक है इसको ध्यान रखें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एन इवनिंग वॉक जो पोइम है वह आपकी लेटर फॉर्म में है एन इवनिंग वॉक बाई बेस टू अभी ऊपर आया था ना कि यह पोइम एड्रेस की गई है एक लेडी को आप उस लेडी को एड्रेस की गई है तो उस लेडी का नाम बताना है डोरोथी एस टी कॉलेज एस टी कॉलेज का नाम नहीं देना चाहिए था क्योंकि भाई जेंट्स हैं एनटी बैलन और हिज फ्रेंड्स रॉबर्ट तो इन्होंने अपनी बहन डोरेथी को एड्रेस करके इस फिल्म को एड्रेस किया लिरिकल बैलेट्स बेटर एप्रिशिएटेड इन अमेरिका देन इन इंग्लैंड द फर्स्ट एडिशन ऑफ लिरिकल बैलेट्स इन अमेरिका वॉज प्रिंटेड इन सत्रह सौ में लिरिकल बैलेट पब्लिश होते हैं तो इनको प्रसिद्धि यहां नहीं मिलती लेकिन अमेरिका में बहुत प्रसिद्ध होते हैं तो अमेरिका में पहला पब्लिकेशन आता है 1802 में तो इसका ऑप्शन जो आपका कौन सा है आपका ऑप्शन बी है विच पोइम इज रिटिन फिलोसफिकल मोनोलॉग स्पोकन बाई सेफर्ट्स तो ये तो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है तो ये है आपका एक्सकर्सन तो एक्सकर्सन में नाइन फिलोसफिकल मोनोलॉग्स हैं यानी कि एक्सकर्सन नाइन बुक्स में बटी हुई है और ये नाइन मोनोलॉग्स जो हैं वो सेफर्ट्स द्वारा पूछे जाते हैं नहीं कहे जाते हैं तो मैंने एक्सकर्सन को बहुत अच्छी तरह पढ़ाया है जब एनालिसिस किया है विलियम बर्ड्स के वर्क का तो उसमें आप देख ले जाके फ्रॉम बिच पोइम है तो अर्थ बता दे रहा हूं ओवर रफ एंड स्मूथ सी ट्रिप्स एलॉन्ग ऊबड़ खाबड़ में और समतल जगह में वो अकेले यात्रा करती है एंड नेवर लुक्स बिहाइंड और कभी पीछे नहीं देखती एंड सिंग्स अ सॉलिटे सॉन्ग और एक एकांत का एकाकी गीत गाती है दैट बिशिल्स इन द विंड जो हवा में गूंजता है किस पोईम से ली गई है एजुकेशन ऑफ नेचर ग्रे पेंथम डिलाइट या स्लम्बर डेट माई स्प्रेड सील तो ये बात लूसी ग्रे की है वो वही पोईम है जिसमें एक लड़की लाइन लेकर के अपने फादर की तलाश में जाती है पोइट्री सेट्स नो टीयर्स सच एज एंजल्स बेब बट नेचुरल एंड ह्यूमन टियर्स ये विलियम बर्ड्सवर्थ ने पोइट्री की डेफिनेशन दी है आपको बताना इन्होंने पोइट्री की डेफिनेशन कहाँ दी है प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेट्स या प्रिवुड में दी है या इन लेटर टू कॉलेज या इन इमोर्टेलिटी वो तो आपको अच्छी तरह पता है कि प्रीफेस में इन्होंने डेफिनेशंस दी हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइटल ऑफ बर्ड बर्थ पोईम द देखिए ग्रोथ ऑफ पोइट माइंड है ठीक प्रिल्यूड तो टाइटल है ही पोइम टू कॉलेज तो बर्ड बर्थ नहीं कहा है एक पोइम टू बर्ड्स बर्थ नहीं है तो आपका ऑप्शन डी हो गया नो ब्लेदर इज माउंटेन रो

स्ट्रोक करते थे हर फीट डिस्पर्स द पाउडरी स्नो जो पाउडर की तरह बर्फ के बर्फ था उसको उछाल रही थी ऊपर की ओर दैट राइज अप लाइक स्मोक और जो बर्फ था वो स्मोक की तरह ऊपर उठता था तो ये लाइंस जो ली गई हैं ये लूसी ग्रे की हैं और बहुत सुंदर लाइंस हैं ठीक है वही है जो लैंटन लेके अपने माता पिता की तलाश में जाती है फ्राम विच पोइम हैव दिज लाइन्स बीन टेकिनट बाई द मौसी स्टोन एक दलदली मौसी का मतलब होता है जिसमें वो लगा हो का आ गई हो मौसी स्टोन पर हाफ हिडन फ्रॉम द आई फेयर एज स्टार वेन ओनली वन इज शाइनिंग इन द स्काई तो ये बात ली गई है आपकी सी ड्रोडन बेस कौन सी पोईम है सी डेल्ट अमाउंट अन टोडन बेस ठीक है तो इसका ए ऑप्शन है फोर्स हैथ ओवरकम बट हाफ हिज फोर किस कहां से लिया गया है तो ये आपकी पैराडाइज लॉस्ट की लाइन है जिसको सेटन कहता है विच ऑफ दीज द फर्स्ट वर्क ऑफ जॉन गर्ल्स देखिए फर्स्ट वर्क तो फ्रॉम फोर पिंट है जो कि आपकी शॉर्ट स्टोरी का कलेक्शन है वेडिट गर्ल्स स्टार्ट राइटिंग देखिए अट्ठारह सौ पिचानवे में ये लिखना शुरू करते हैं और अठारह में यह इनका पहला वर्क आता है तो यह अठारह में इनके कैरियर की शुरुआत मानी जाती है और अठारह में इनको लिखने की शुरुआत मानी जाती है जब इनको ऐडा कूपर लिखने को कहती है वेड इन जॉन कॉल्सवर्दी गेट द ऑर्डर ऑफ मेडिट तो यह प्रश्न आता है तो क्या आएगा उन्नीस सौ में ठीक है फ्रॉम विच दोइम हैव दिज लाइन बीन टेकन लर्न सीखिए बाई मोर्टल इर्निंग अपने नश्वर तड़फ से टू असेंड सीकिंग अ हायर ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर बढ़ना और उच्च ऑब्जेक्ट की तलाश करना लव बॉज गे बन इनकरेज सेंक्शन जो प्यार है वो प्रोत्साहन के लिए प्रदान किया गया है तो ये बात लॉडोमिया से स का प्रेत कहता है विच ऑफ दीज नॉट प्लेलेट्स बाई जॉन गर्ल्स बर्दी देखिये ये सब प्लेलेट्स हैं बन एक्ट प्ले हैं और जॉय जो है आपका फुल प्ले है ठीक है तो आपका ऑप्शन डी हो गया द फॉर्साइट क्रॉनिकल्स बाई जॉन गर्ल्स बर्दी हैव थ्री ट्रोलॉजी एंड विच कंटेन नाइन नॉवेल्स एंड फोर इंटरल्यूड्स जी देखिये फॉरसाइड सागा है मॉडर्न कॉमेडी है एंड ऑफ द चैप्टर है चैप्टर है लेकिन मैन ऑफ प्रॉपर्टी जो है ये एक नॉवेल का नाम है नॉवेल का नाम है जो कि फॉरसाइड सागा का एक पार्ट है तो आपका ऑप्शन डी हो गया क्वेश्चन लास्ट देखते हैं जॉन गालसवर्दी डेडिकेटेड हि फॉर साइड सागर टू तो फॉरसाइड सागर उन्होंने अपनी वाइफ एडा कूपर को जो है डेडिकेट किया है तो आपको ऑप्शन सॉरी ऑप्शन बी हो गया डेडा ठीक तो आज के लिए इतना ही थैंक्स फॉर वॉचिंग